पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि चोर इक्तदार पर काबिज हैं, आम इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है, कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें, माफियाज के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान का कहना था कि मुल्क तबाह उस वक्त होता है जब ताकतवर अरबों रुपए की चोरी करता है और मुल्क का पैसा बैरून मुल्क भिजवा देते हैं, जिससे मुल्क कमजोर हो जाता है। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना पहले ही मुश्किल था, नैब कानून में तरमीम से अब नामुमकिन हो गया है। इमरान खान ने कहा कि वही चोर दोबारा हुकूमत में आकर बैठ गए हैं और खुद को चोरी का लाइसेंस दे दिया। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुल्क तब तरक्की करेगा जब कानून की हुक्मरानी होगी। बड़ी करप्शन नहीं पकड़ेंगे तब तक मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता।